बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो बहुत जल्दी व्यक्ति को प्रभावित करती है और व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर देती है। उसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लगना। क्या होता है नजर लगना और अगर नजर लग जाए तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, आपके शरीर में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक तरह की शुभ ऊर्जा होती है और ये शुभ ऊर्जा आपकी रक्षा करती है जीवन की तमाम मुश्किलों से, जिसको आप अच्छी एनर्जी भी कह सकते हैं, अच्छी सोच भी कह सकते हैं। जब आपकी शुभ ऊर्जा के ऊपर किसी दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डालती है या किसी व्यक्ति की निगेटिव सोच से आप प्रभावित हो जाते हैं, आपकी एनर्जी प्रभावित होती है, तो इसको कहते हैं नजर लगना। जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं या जिन लोगों के पास शुभ शक्तियां कम होती हैं, ऐसे लोगों को नजर जल्दी लगती है। नजर लगने को पहचानेंगे कैसे? बिना किसी कारण के आप बीमार पड़ गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बीमार महसूस कर रहे हैं, ये नजर लगने का लक्षण है। दूसरा लक्षण, आप एकदम खुश हैं, एकदम प्रसन्न हैं, अचानक से आप चलते चलते गिर गए, आपको अचानक से चलते चलते चोट लग गई, अचानक से आपके सर में चोट लग गई, अचानक से आपका पैसा गायब हो गया, जो घटना बिल्कुल ठीक होते होते एकदम से बिगड़ गई, नजर लगने का कारण हो सकता है। आप कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं और काम बिल्कुल होने ही वाला है, लेकिन होते होते काम अंतिम समय पर रुक गया। आपने किसी को बताया है, उसको लगा कि देखो इनका ये काम होने वाला है, जैसे ही उसने ऐसा सोचा आप नजर दोष से प्रभावित हो गए और आपको नजर लग गई। आप बिल्कुल बढ़िया से घर में रह रहे हैं, पति पत्नी में तालमेल बड़ा अच्छा है, किसी की नजर लगी, बेवजह घर में घुसते ही कलेश शुरू हो गया, घर में झगड़ा हो गया, घर का माहौल खराब हो गया, नजर की समस्या है। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, त्वचा बहुत बढ़िया है, किसी ने कहा कि बहुत अच्छी स्किन है आपकी, तो आपको तो दाने निकलते ही नहीं है, चेहरा ही खराब हो गया, दाने ही निकलने लगे, नजर का चक्कर है। ये जो निगेटिव एनर्जी का चक्कर होता है ये तुरंत प्रभाव डालता है और तकरीबन एक दिन से लेके एक सप्ताह तक इसका प्रभाव बना रहता है। कैसे बचे नजर दोष से? देखिए, बच्चों को नजर बहुत लगती है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और नजर उतारने से वो ठीक हो जाते हैं। नजर उतारने का सबसे आसान तरीका यह है कि हाथ में एक चुटकी नमक ले लें, अपने सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लें और वेशिन का टैप खोलिए, टोटी खोलिए और जब पानी उसमें से गिरने लगे उसी में उस चुटकी भर नमक को गिरा दीजिए। सबसे आसान तरीका है और इससे नजर तुरंत की तुरंत उतर जाती है। नजर ज्यादा लग गई हो, बीमार हो रहे हो और छोटे मोटे उपायों से ठीक ना हो रहे हो, तो एक बाल्टी पानी में कम से कम 2 चम्मच नमक डालिए और उस जल से स्नान कर लीजिए। इससे भी नजर तुरंत उतर जाती है और जो लंबे समय की नजर है उससे भी छुटकारा मिलता है। अगर नजर को लगे हुए 3-4 दिन हो गए हैं और छोटे छोटे उपायों से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपका कोई बनता बनता काम बिगड़ रहा है और आप परेशान हैं नजर दोष से, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? एक थोड़े से लाल मिर्चे, सूखी हुई लाल मिर्च, उसमें काली सरसों डालिए जिसको राई कहते हैं, काली सरसों के अलावा 1-2 चुटकी नमक भी डालिए, इसको एक मुट्ठी में या कटोरी में ले लें, अपने सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और कागज जला करके, लकड़ी जला करके उसमें इन चीजों को डाल दें, बड़ी से बड़ी नजर की समस्या दूर होगी, बड़ा से बड़ा नजर दोष उतर जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिसको अगर आप रेगुलर करें तो नजर दोष की नौबत ही नहीं आएगी। रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने शरीर में चंदन की सुगंध लगाएं, चंदन की सुगंध वाले परफ्यूम का या इत्र का प्रयोग करें, उससे आपकी शुभ शक्तियां मेंटेन रहेंगी, नजर लगने की संभावना नहीं बनेगी। अपनी दाहिनी कलाई में काला रेशम का धागा शनिवार के दिन किसी विद्वान आदमी से, किसी मंदिर के पुजारी से या किसी सात्विक आदमी से बधवा लीजिए, इससे भी नजर लगने की संभावना कम हो जाएगी। महिलाएं चाहें तो अपने बाएं हाथ में बांध लें या बाएं पैर की जहां पायल पहनते हैं, जो एंकल होती है, वहां पे चाहें तो काला धागा बांध सकती हैं, इससे नजर लगने की संभावना नहीं बनेगी। तो अगर आप नजर दोष से परेशान हैं तो इन उपायों को आजमाइए, निश्चित रूप से नजर दोष की समस्या से आपकी रक्षा होगी। तो एस्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।